फ्रेंड, आज हम आप लोग को चैप्टर लाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा, और इसे कंप्लीट अगले हम वीडियो में हम करेंगे। थोड़ा सा बस इंट्रोडक्टरी है, देखते हैं, दो मिनट का रहेगा, ज़्यादा टाइम का है नहीं। बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि तुम लोग के यूटी में और भी जो सभी एग्जाम आ रहे हैं उसमें ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता ही पूछता है, ठीक है। बस पूछ रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है इसे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिए, बस इसी को हम एक्सप्लेन करके जरा दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, चैप्टर का नाम है तुम्हारा लाइट। क्या है लाइट? तो लाइट के बारे में क्या जानते हैं? लाइट क्या है? लाइट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म्स है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, समझिए कि एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन ही है, ठीक है। लाइट क्या है? इट इज द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्म्स है। यह हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी सब्सटेंस को, या किसी भी चीज को देखने में हमें लाइट ही सहायता करता है। अगर आंख हो, लाइट ना हो, क्या हम देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर क्या आंख ही है लेकिन लाइट ही नहीं है, या फिर लाइट ही है आंख नहीं है, फिर भी हम देख नहीं ना पाएंगे, मतलब लाइट आंख दोनों उतना ही जरूरी है। तो हम बोलेंगे क्या सर, ये जो जो चीज लाइट देता है, लाइट हमें मिलता कहाँ से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट क्या होगा, जैसे कि तुम लोग के बुक में ही दिया हुआ है, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या दिया हुआ है? लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं, बस छोटा सा। क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या अपना खुद का लाइट हो। क्या होता है? अपना खुद का लाइट हो, उसे क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि सन अपना लाइट है, ये बल्ब सब जल रहा है रूम में, ठीक है, सब क्या है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट, अपना लाइट है। लेकिन चांद के पास अपना लाइट नहीं है, वो सूरज की रोशनी को टैप करके फिर वहाँ से वो हमें चमकता है, ठीक है। तो वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अपना खुद का लाइट ना हो, उसे क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा मार्कर, इसमें क्या क्या है? नॉन लुमिनियस है, इसमें कुछ हो सकता है लाइट? नहीं हो सकता है, बट ये हमें दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्यों दिख रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और एक चीज और होता है, उसका नाम है क्या, कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। एक नंबर के क्वेश्चन में आप लोग के अब 9th 10th में है कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम आने लगे हैं, 40 or 50% आते हैं, ठीक है। तो अब क्या है उसमें कि लाइट ट्रेवल कैसे करता है? तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। कैसे? इसी के लाइट का दो नियम है, पहले वो हम फास्ट हम जानते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, ठीक है। तो पहले हम एक हम लेंगे हम क्या, स्मूथ सरफेस। चलिए ले ही लेते हैं, ये मेरा है डीजे, मतलब कि ये स्मूथ सरफेस, सॉरी, इसे हम क्या लेते हैं, स्मूथ सरफेस। ये मेरा है स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। तो चलिए हम लाइट बना कर थोड़ा सा देखते हैं, स्टाइल मारना है तो मारेंगे, ये अच्छी बात है। चलिए अब हम एक टॉर्च बनाते हैं सुंदर सा, ठीक है। क्या जगह से लाइट, ठीक है, मान लो इधर से लाइट उठा रहे, इधर से ठीक है, मान लो इधर से लाइट आया है ऐसे, ठीक है, और इधर लाइट चला गया, ठीक। तो इसे हम लाइट आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। ये क्या है? रे ही तो है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है फिर यहाँ से जा रहा है, तो जाने वाले को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, अब देख रहा है सर, दिख भी रहा होगा, सामने जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब स्मूथ सरफेस पे जा रहा है, ठीक है। तो हम इसके बीच में एक नॉर्मल देते हैं, इसका नाम हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। इसी से आपका दो लॉ है, ठीक है, दो लॉ दिया गया लाइट का।
लाइट का दो लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, मतलब जो एंगल जितने डिग्री पर लाइट आएगा उतना ही पर ये चला भी जाएगा। मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे के जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम एंगल को डिनोट करते हैं एंगल आई से रिफ्लेक्टेड रे को आई से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दुख तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम फर्स्ट लॉ क्या क्या बोलते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए इसे कहा गया है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कोई दुख तकलीफ होगा नहीं, वैसे राइटिंग समझ नहीं आया तो दुख की बात नहीं है, हमें भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, अपना राइटिंग कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छी बात है। अब सेकेंड लॉ पे हम आ जाते हैं। सेकेंड लॉ लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन या फिर सेम पॉइंट, ठीक है। मतलब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे आके जो पड़ता है, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन पे है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तुम लिख लेना सुंदर सुंदर राइटिंग में, दोबारा सुन लो, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये तुम्हारा था लाइट का दो नियम, ठीक है। इसके आगे अगर पढ़ना हो समझना हो तो नेक्स्ट वीडियो मेरा प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है।